आजकल मैं आई हूँ गिलगित में अपने ससुराल काफ़ी टाइम के बाद। इस वीडियो में मैं आपको गिलगित का जो एक छोटा सा गांव है उसमें घर कैसे होते हैं वो मैं दिखाऊंगी आपको। उसके अलावा गांव की थोड़ी सी सैर करवाऊंगी। और फिलहाल गिलगित का मौसम बहुत फिट है, बड़े मज़े का मौसम हुआ हुआ है। अब जो है ना वो बैक कैमरा ही ऑन रहेगा। बैक कैमरे में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि यहाँ पे ड्राइंग रूम्स कैसे होते हैं, किचन कैसे होते हैं और गांव की थोड़ी सी सैर करवाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते वीडियो। तो यहाँ पे बड़े सिंपल सिंपल से घर होते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ड्राइंग रूम में है। ड्राइंग रूम में सोफ़े वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर सोफ़ों को प्रेफर नहीं किया जाता है। जो लोग होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर पसंद करते हैं नीचे बैठना, इसलिए हर रूम में जो है वो गद्दियाँ वगैरह बिछाई जाती है। और जैसे कि अगर कोई गेस्ट आते हैं तो वो भी इधर गद्दियों पे बैठते हैं, और अगर कुछ उनको लिए खाने के लिए दे रहे हैं तो बस नीचे दस्तरखान बिछाते हैं और चाय या रोटी जो है वो दस्तरखान पे ही खाते हैं नीचे फ्लोर पे बैठ के। अब चलते हैं घर के दूसरे हिस्सों की तरफ। लेफ़्ट साइड पे ये एक रूम है, उसके अलावा ये जो है आप लोग बरामदा कह दो, इसे बरामदा है ये। और यहाँ पे जाली वगैरह लगाई हुई है, गद्दियाँ हैं। अगेन गांव से जो भी लोग आते हैं मिलने के लिए, रिश्तेदार वगैरह, वो यहाँ पे बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। उसके अलावा ये किचन है, किचन भी गद्दियाँ बिछाई हुई हैं। और क्यों कारपेट, इसलिए पूरे घर में यहाँ पर कारपेट होता है क्योंकि सर्दी में काफ़ी सर्दी होती है, इसलिए यहाँ पे पूरे घर में कारपेट बिछाया जाता है। और किचन यहाँ पे थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आग लगाई जाती है। घर के जो सारे लोग होते हैं यहाँ पे खाना खाते हैं, और कुछ लोग जो बड़े लोग होते हैं जैसे बुज़ुर्ग टाइप के, वो यहाँ पे ही सोते हैं। अब चलते हैं बाहर। राइट साइड पे कोर रूम है। पहले जूते पहनते हैं। गिलगित में आप किसी भी घर में जाओ, हमेशा जूते बाहर उतार के जाना, क्योंकि हम लोग जूते कभी भी घर के अंदर लेके नहीं जाते हैं। और आपको ये ग्रीन जितना भी एरिया नज़र आ रहा है, ये सब सब्जियां हैं। मेरी सास ने काफ़ी सारी सब्जियां लगाई हुई है यहाँ पे। यहाँ पर जितनी भी सब्जियां होती हैं वो घर में ही ख़ुद काश्त की जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि बाज़ार से सब्जियाँ मंगवाई जाएँ, वरना जो घर की सब्जियाँ होती हैं, घर के फ्रूट्स होते हैं, वो ही खाए जाते हैं। उसके अलावा राइट साइड पे मेन गेट है और यहाँ पे एक क्यूट सा छोटा सा ग्राउंड है। उसके अलावा एक और यहाँ पे छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ पे भी काफ़ी जो है फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं। गिलगित में कोशिश की जाती है स्पेशली घरों के अंदर कि आप जो भी दरख्त लगाते हो वो फलदार दरख्त हो, जैसे यहाँ पे अनार का, बादाम का, जापानी फल वगैरह काफ़ी दरख्त लगे हुए हैं। और जो सामने आपको दिख रहा है वो मुर्गियों का डरबा है। मेरी सास ने काफ़ी सारी मुर्गियाँ पाली हुई हैं। नॉर्मली जो पंजाब में होता है कि वहाँ की जो मुर्गियाँ होती हैं आज़ाद घूम रही होती हैं यहाँ वहाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जैसे उनका स्पेसिफिक टाइम होता है, आधा घंटा पौना घंटा वो इसी ग्राउंड में थोड़ा सा घूमती हैं, खाती हैं, पीती हैं, उसके बाद वो दोबारा से अपने घर के अंदर चली जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो जानवर रखे जाते हैं जैसे गाय बकरियाँ वगैरह, वो भी घर के अंदर नहीं रखी जाती हैं, उनका भी स्पेसिफिक घर होता है। मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मेरी सास ने अपने जानवर कहाँ रखे हुए हैं। और अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। Can you go? Yes, yeah, Lina.
मुझे खा रहे ये खाने वाली जगह अंदर बेडरूम है ये वाले ना जगह है हाँ। खाना डालते अच्छा और अंदर गाय सोती है Mommy? Mm-hmm. Shit! You gotta point at the recipe, right? I'm gonna dish out of it.